गुना नगर पालिका में कार्यरत दैनिक सफाई कर्मचारी एकता संगठन ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस धरना प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने उनके नियमितीकरण की मांग को उठाया है। गौरतलब है कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन यह सफाई कर्मचारी नगर पालिका की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि जो लोग पहले से नगर पालिका में कार्यरत हैं, पहले उन्हें स्थायी किया जाए, इसके बाद ही नए कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इस मौके पर नगर पालिका में उपाध्यक्ष राजू यादव ने इस धरना प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों के साथ रहकर पूरे मामले से मीडिया को अवगत भी कराया। कर्मचारियों को आज दिनांक तक मीटिंग नहीं किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार कार्यपालन डीडी साहब का आदेश आ चुका, किसी बात की आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरा सभी सफाई कामगारों से अनुरोध है, भाइयों से, बहनों से, कि आप अपना धरना यही समाप्त करें। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो सारी मांगे मान ली गई है। नियुक्तिकरण का कार्यक्रम हो, ये नियम अनुसार हो, और जो पुराने लोग हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देते हुए चले आ रहे हैं 10-15 वर्षों से, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। ये जो नियुक्ति पत्र का आदेश आज से लगभग 3-4 महीने पहले हुआ था कि ये जो अस्थायी कर्मचारी हैं इनको स्थायी कराया जाए, और लिस्ट भी लगभग पहले लग चुकी थी, वो लिस्ट यहाँ से हटा दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में चरण सीमा में है। और इन लोगों का ये कहना है कि जैसे ये सूची ये बता रहे हैं, ये सूची है, ये पहले चस्पा कर दी गई, 4 महीने पहले पुरानी सूची है, अभी तक इन लोगों की भर्ती हो जाना चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या मंथन इन लोगों का अंदर चल रहा है। मैंने को सुनने में ये आया है इसमें कि अभी जो कार्यकर्ता जो नगर पालिका कर्मचारी है भर्ती किए गए हैं उनको भी इसमें जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रावधान चल रहा है और प्रयास कर रहा है ये, तो मैं इन लोगों को सबको विश्वास दिलाता हूँ और मीडिया से भी मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम नगर पालिका में ये जो उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं इन पर थोड़ा सा फोकस कर जनता को बताएं। ये गरीब वर्ग हैं, ये 40-50 हज़ार 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे भर्ती के लिए, तो मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि इनको बेचारों को यहाँ अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये 40-50 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे भर्ती के लिए। सही बोल रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध, वही तो इनकी उम्र है, इन्हें स्थायी किया जाए, पहली प्राथमिकता 10 से 12 वर्ष पुराने जो कर्मचारी हैं उनको दी जाए। और ये आयुक्त महोदय का यहाँ से ये पत्र आया है 6 तारीख का जैसे, तो अगर ये नियुक्ति नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और उग्र भी बनाएंगे।